सिंध में 28 अगस्त को बलदियाती इंतखाब मुलतवी करने का फिलहाल कोई फैसला नहीं किया। तर्जुमान इलेक्शन कमीशन की वजाहत। सिंध के इलेक्शन कमिश्नर का कहना है कि कराची हैदराबाद समेत 16 डिप्टी कमिश्नर्स की रिपोर्ट इलेक्शन कमीशन को अरसाल कर दी। डीसीज की इंतखाबात मुलतवी करने की सिफारिश। और इमरान खान ने वजीर आजम बनने से पहले 166 घंटे केपी हुकूमत का हेलीकॉप्टर इस्तेमाल किया। इमरान खान से 7 करोड़ रुपए की रिकवरी करनी है। चेयरमैन नैब की पीएसी को ब्रीफिंग। कमेटी ने रिकवरी के लिए इलेक्शन कमीशन से रुजू करने की हिदायत कर दी।